हेलो बच्चों, तो बच्चों आइए करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। देखते हैं बेटा, कल की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट तौर पर उस टॉपिक को जानेंगे कि भाई क्या होती है इलेक्ट्रिक लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स मेरे पास में आए हैं। बेटा, आप सभी लोगों ने जितने भी डाउट्स मुझसे पूछे हैं वो क्या तो आगे के आने वाले टॉपिक में है या ऑलरेडी मैंने अपनी लिस्ट के अंदर उन क्वेश्चंस को डाला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिए कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, यही सारे क्वेश्चन जो आप मुझसे डाउट पूछ रहे हैं ना, आप लोगों को ऑलरेडी क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। और जितने भी आपके छोटे मोटे डाउट्स हैं या जो भी आपने डाउट सेंड किए हैं, एक एक करके आपकी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी बेटा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस जैसे आप लोगों को पढ़ा के चला जा रहा है वैसे वैसे आप पढ़कर चलिए और अपना सही तरीके से क्लास वर्क और होमवर्क करिए और क्वेश्चंस को रिपीट करिए। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बेटा हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, टॉपिक का नाम था हमारा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमने आपको डेफिनेशन ये दी थी कि भाई किसी भी चार्ज के अंदर से इमेजिनरी लाइन निकलती है और ये लाइन जितने हिस्से में फैल जाती है वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जहाँ ये लाइन नहीं पहुँच पाती है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। यानी दोज इमेजिनरी लाइन्स विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इन्हें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का नाम देते हैं। अब मैं बच्चों आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इनकी प्रॉपर्टीज। आप जरा बिल्कुल ध्यान से एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज गौर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की, अभी आप लोग समझ लीजिए फिर आप लोग लिखिएगा अपनी कॉपी के अंदर। प्रॉपर्टी नंबर एक है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर जाकर ख़त्म हो जाएंगी। ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर एक है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी। अब आइए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में ये है, अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है इधर, अगर एरो का साइन इधर है तो डेफिनेटली यहाँ होगा पॉजिटिव और यहाँ होगा नेगेटिव। अगर एरो का साइन इधर है तो यहाँ होगा पॉजिटिव और यहाँ होगा नेगेटिव। मान लीजिए कि हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है हमारे पास में बी, और ये कहा कि इन दोनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है क्या होगी। पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, इन दोनों पॉइंट पर आपको ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा आप लोगों को ना एक काम करना है, आपको इस ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट टेंजेंट बनानी है, टच करती हुई लाइन बनानी है। ये जो टेंजेंट आपने बनाई है ये इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, टेंजेंट समझते हैं आप सभी लोग, टच करने वाली जो लाइन होती है वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर हमें ये बताना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो बेटा हमें इस पॉइंट पर टच करते हुए एक लाइन बनानी पड़ेगी और ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। उम्मीद है कि आप लोग हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। इलेक्ट्रिक लाइन की डेफिनेशन हमने आपको क्या बताई कि जहाँ तक ये लाइनें फैल जाएंगी वहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जहाँ ये लाइनें नहीं फैल पाएंगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, यानी हम अपनी आंखों से इन लाइंस को देख नहीं सकते हैं। इन लाइंस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि हमने किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बना दी,
लाइन के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट, टेंजेंट आप समझते हैं, उस पॉइंट पर टच करती हुई मैंने लाइन बना दी, वो जो उस पॉइंट पर मैंने टच करती हुई लाइन बनाई है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी बेटा, ठीक है। तो ये हो गई है प्रॉपर्टी नंबर दो। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी में। देखो थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, जरा इसके पीछे का कारण हम जान लेते हैं। अगर दो लाइन ने एक दूसरे को कट कर दिया, दो लाइन ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो ये कैसा पॉइंट बना बेटा, ये बना कॉमन पॉइंट, बना कॉमन पॉइंट। एक टेंजेंट बनेगी यहाँ पर इस कॉमन पॉइंट पर और एक टेंजेंट बनेगी यहाँ पर, यानी एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट बनेंगी, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेगी। और लॉजिकली एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं बेटा, एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगी। आप यहाँ देखो कि अगर दो लाइन ने एक दूसरे को कट कर दिया तो ये कॉमन पॉइंट आ गया, इस लाइन पर भी आ गया और इस लाइन पर भी आ गया। इस पॉइंट पर दो टेंजेंट बन रही हैं, दो डायरेक्शन बन रही है। लॉजिकली एक पॉइंट पर होती है एक डायरेक्शन, ना कि दो डायरेक्शन, इसीलिए दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये पॉइंट तो ऐसा है बेटा, हजारों बार बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया है। मतलब आप ये समझिए कि हर साल ही ये क्वेश्चन फिक्स है कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। आप साफ साफ लिखोगे कि चूंकि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और दो लाइन ने अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया तो एक कॉमन पॉइंट पर दो डायरेक्शन बनेंगी, जो कि लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो तीन प्रॉपर्टी बेटा आपके सामने हो गई है अभी तक कि इलेक्ट्रिक लाइन जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, और थर्ड पॉइंट हमारे पास में यह है कि दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू लाइन्स कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर फोर पर। देखिए बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, ये बन गया है हमारे पास में क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। देखो चारों तरफ से बंद कर्व है, इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व, क्लोज्ड कॉन्टिन्यूअस कर्व। तो ये कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइन डू नॉट फॉर्म, इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी ऐसा कर्व नहीं बनाती है, यानी ऐसा कर्व आपको कभी लाइंस बनाती हुई दिखाई नहीं देंगे, ऐसा कर्व कभी नहीं बनेगा। उसके पीछे दो कारण है बेटा। पहला कारण क्या है कि अगर ऐसा क्लोज लूप इन्होंने बना दिया, इस तरीके का क्लोज लूप बना दिया, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी में हम कहकर आए हैं कि लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर ऐसा क्लोज लूप बना तो हम क्या कहेंगे, कहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और कहाँ ख़त्म हो रही है, यानी क्लोज लूप में हम स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में नहीं बता सकते हैं। इसीलिए ऐसा क्लोज लूप कभी भी लाइन नहीं बनाएंगी। अगर कहीं पर आपको ऐसा क्लोज लूप बनता हुआ दिखाई देता है ना बेटा, तो आप ये कहोगे कि ये क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये कंडीशन आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है कि लाइंस क्लोज लूप बनाए। तो लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। एक तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से बेटा ध्यान रखेंगे। तो अभी तक हमारे सामने हो गई है फोर प्रॉपर्टीज, चार प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हमने आपको बताई इलेक्ट्रिक लाइंस की डेफिनेशन, उम्मीद है कि डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर होगी आप लोगों को। दोज इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइंस होती हैं उन लाइंस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर वन, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएगी। प्रॉपर्टी नंबर टू, किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी।
प्रॉपर्टी नंबर 3, दो लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। बेटा ध्यान रखिएगा, लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, क्योंकि अगर क्लोज लूप बनाया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बारे में हम नहीं बता पाएंगे, या फील्ड का कंजर्वेटिव नेचर नहीं रह जाएगा, इसीलिए लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। तो ये हो गई है 4 प्रॉपर्टीज़ बेटा हमारे पास में। अब बाकी की 4 प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए बाकी की 4 प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास में, आइए जानते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 हमारे पास में ये है बेटा, कि मान लीजिए कि ये हमारे पास में कोई मेटेलिक सरफेस है, ये हमारे पास में कोई कंडक्टर है बेटा, कंडक्टर, ठीक है। तो लाइंस हमारी इधर से आ रही हैं, ऐसे लाइंस हमारी इधर से आ रही हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप बात सुनिएगा बेटा, ठीक है। होगा क्या, जब लाइंस इधर से आ रही है ना, लाइंस का बिहेवियर ऐसा होगा। इस प्रॉपर्टी नंबर 5 से हम दो बातें समझेंगे। पहली बात देखो, लाइन इधर से आ रही है, इधर से आकर सरफेस पर ख़त्म हो गई, लाइनें सरफेस के अंदर एंटर नहीं कर पाई, ठीक है, और दोबारा फिर सरफेस से उठकर चलना स्टार्ट करती है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में ये बन गई बेटा, कि इलेक्ट्रिक लाइन कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती हैं। इलेक्ट्रिक लाइन कभी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन कंडक्टर के सरफेस पर आकर ख़त्म हो जाएंगी बेटा। जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती है ना, वो कंडक्टर के सरफेस पर आकर ख़त्म हो जाएंगी और दूसरी तरफ सरफेस से ही उठकर चलेंगी। एक तरफ सरफेस पर आकर ख़त्म हो गई और दूसरी तरफ सरफेस से ही उठकर चल रही है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि लाइंस कंडक्टर के अंदर एंटर करने वाली नहीं है। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट हमें सीखने को मिलता है, वो ये है कि लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो बेटा, लाइन ना ऐसे आ रही थी, ध्यान से देखिएगा ज़रा, लाइन ऐसे आ रही थी, लाइन यहाँ से ऐसे आगे बढ़कर ऐसे सरफेस से मिलती, क्या ये एंगल 90 डिग्री का बनता? बिल्कुल नहीं बनता ये वाला एंगल 90 डिग्री का। तो हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, जैसे ही लाइन इसके नज़दीक पहुंची, लाइन ने अपने आप को इस तरीके से बेंड कर दिया। जैसे ही लाइन इसके नज़दीक पहुंची, यहाँ पर लाइन ने अपने आप को मोड़कर इस तरीके से मोड़ लिया कि सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ से सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो दो बातें हैं बेटा हमारे पास में जो आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। एक बात तो ये कि लाइंस कंडक्टर के अंदर बिल्कुल भी एंटर करने वाली नहीं है, और दूसरी बात यह है कि लाइंस हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ऑलवेज, हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, और ये है प्रॉपर्टी नंबर 5। आगे हम इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे भी, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 में। देखो 6th प्रॉपर्टी क्या है बेटा हमारे पास में, 6th प्रॉपर्टी यह है कि अगर मैंने कहीं यहाँ ऐसी लाइंस को शो किया है, अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसी लाइंस को दिखाया है, देखो ये लाइंस बराबर लंबाई की है, इक्वल लेंथ की है या नहीं है, और इनके जो बीच का गैप है वो भी बिल्कुल सेम है, ऐसी लाइंस को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इनिशियल पॉइंट है वो है पॉजिटिव, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इनिशियल पॉइंट पॉजिटिव है, और जो इसका फाइनल पॉइंट है बेटा, फाइनल पॉइंट वो है नेगेटिव, यानी लाइन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो जाती हैं। अगर कहीं इस तरीके की कंडीशन आपको दिखाई देगी तो ये कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है,
बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, यानी इस पूरे हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा ये हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ आई हो। अब आते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 7 में। बेटा देखो, प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है हमारे पास में। अगर मैंने आपके सामने कहीं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, अगर मैंने आपके सामने कहीं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने आपके सामने कहीं ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, तो जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे, आप एकदम से कह देंगे कि भैया ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और टर्मिनेट यानी ख़त्म होता है नेगेटिव पर। समझ आ रही बात? ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और ख़त्म होता है नेगेटिव पर। इसका नाम है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब आप ये देखो कि यहाँ लाइन एक दूसरे के क्लोज़र है, एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक है, यहाँ लाइन एक दूसरे से फार अपार्ट थोड़ा दूर दूर है। तो जहाँ लाइन क्लोज़र होगी, यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। यहाँ तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा था, लेकिन यहाँ सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा नहीं होगा, यहाँ होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ होगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि लाइंस एक्चुअल में है क्या। वो लाइंस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस। अब इनकी एक एक करके हमने 7 प्रॉपर्टी पढ़ी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म होती है, टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। दो लाइन कभी भी कट नहीं कर सकती है, इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज लूप नहीं बना सकती है, इलेक्ट्रिक लाइन सरफेस के अंदर कभी एंटर नहीं करेगी और सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसे बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ कि जितनी बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। अब इन सभी बातों को हम लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है? तो ओके, आप लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइंस की तो डेफिनेशन लिख रखी है, और जिसने नहीं लिख रखी है वो जल्दी से लिख ले। इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होती हैं? दोज इमेजनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोज इमेजनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोज इमेजनरी लाइन्स विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। इन प्रॉपर्टी से भी पहले एक प्रॉपर्टी है, वो पहले आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएंगी। अब ये है बेटा हमारे पास में प्रॉपर्टी नंबर
टू जल्दी से लिखिए, एक्सप्लेन मैं आपको कर चुका हूं, अब आपको सिर्फ लिखना है और डायग्राम बनाना है। टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये लाइन है। लाइन हमारी बेसिकली कहाँ से स्टार्ट होती है? लाइन हमारी बेसिकली स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, ख़त्म कहाँ होती है? ख़त्म होती है नेगेटिव पर। लाइन बन गई पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ इस पॉइंट पर हम लोगों ने ये बना दी टेंजेंट। ये टेंजेंट दिखा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। जल्दी से पॉइंट लिखिए और ये टेंजेंट बनाइए इसके नीचे। ओके बेटा, इसके बाद ये है हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। वीडियो को पॉज करके आप अगली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखो, अगर इंटरसेक्ट किया तो ये बनेगा कॉमन पॉइंट, और इस कॉमन पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, एक ये ब्लू वाली और एक ये वाली। और रूल के हिसाब से यानी लॉजिकली एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो रही हैं, इसीलिए हम ये कहेंगे कि भैया कि दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। आपके सामने है, आप लिख लीजिए पूरी बात बेटा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लेंगे। थर्ड पॉइंट पर हम लोग आते हैं, पॉइंट नंबर थ्री। पहले पॉइंट नंबर थ्री को आप ध्यान से बेटा देखिएगा। पॉइंट नंबर थ्री क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव, हालांकि मैं आपको लिखवा चुका हूँ ये पॉइंट, एंड सबमर्ज इंटू नेगेटिव चार्ज। इज देयर अ सिंगल चार्ज ओनली, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मे स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। इसे ख़त्म करिए, ये तो मैं आपको लिखवा चुका हूँ। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर चार में। ये फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई बेटा कि लाइन एक तो अंदर एंटर नहीं करेगी और एक सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। देखो, यहाँ से लाइन आ रही है ऐसे, और यहाँ से आकर इस तरीके से मुड़ गई, ऐसे मुड़ जाएगी कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बने, और यहाँ सरफेस के अंदर एंटर नहीं करेगी। तो लाइन कभी भी सरफेस के अंदर एंटर नहीं करती है, कंडक्टर के सरफेस के अंदर एंटर नहीं करती है, और सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये प्रॉपर्टी नंबर चार लिखकर आप ये डायग्राम बना देंगे बेटा इसके अंदर। बनाइए जरा जल्दी से। ओके, अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर पांच में। देखो, प्रॉपर्टी नंबर पांच किस बात को शो कर रही है? जो हमने पॉइंट्स पढ़े ना बेटा, प्रॉपर्टी नंबर पांच उन्हीं पॉइंट्स को शो कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। भाई मान लो कि ये मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है, और यहां मेरे पास में एक प्लेट है, ऐसे यहां मेरे पास में एक प्लेट है, प्लेट पर है नेगेटिव चार्ज। तो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी? हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी कि एक तो लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाएंगी, इसका मतलब यह है कि लाइंस यहां से निकलेंगी और लाइंस इधर जाएंगी। और दूसरी प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी कि सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो बेटा होगा क्या, यहां से लाइन निकलेगी ऐसा, और सीधा सरफेस के साथ देखो ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसे लाइन यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलकर ना ऐसे मुड़ जाएगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लाइंस यहाँ से निकलेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लाइंस यहाँ से निकलेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लाइंस यहाँ से मुड़ जाएगी ऐसे, और सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लाइंस ऐसे मुड़ जाएगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। लाइंस ऐसे मुड़ जाएगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से लाइंस जाती हैं बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जाती हैं। ऐसी कंडीशन बनेगी बेटा हमारे पास में, लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी, नेगेटिव पर रिसीव होंगी, और नेगेटिव पर सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो ये हमारी यहाँ दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं, एक तो लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, और एक सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इन्हीं दो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करने के लिए या वेरीफाई करने के लिए ये पूरा डायग्राम आप लोगों को बेटा दिया गया है, ठीक है? तो आप जल्दी से लिख लेंगे जो इस पॉइंट के अंदर आपको गिवन दिया गया है।
देखो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 हमारे पास में क्या है बेटा। ऑलरेडी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, पॉइंट नंबर 6 के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। अगर आपको कहीं क्लोज लूप बना हुआ दिखाई देता है ना बेटा, तो आप एकदम से समझ जाएंगे कि ये क्लोज लूप सही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस तो कभी क्लोज लूप बनाती ही नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़्यादातर नीट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो चार फिगर आप लोगों को दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि बताइए कौन सा पॉसिबल होगा या कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। तो जो क्लोज लूप बनाएंगी इलेक्ट्रिक लाइन जहाँ क्लोज लूप बनाएंगी, क्लोज लूप वहाँ वो लूप पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन इलेक्ट्रिक लाइन में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास में, इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक लाइन्स आर कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन टूट नहीं सकती है, सीधा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर जाकर ख़त्म होती है, और अगर वो बीच में से टूट गई, वो बीच में से ब्रेक हो गई, फिर वो कॉन्टिन्यूस कहाँ रही, फिर तो वो डिसकॉन्टिन्यूस हो गई। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स हमेशा एक कॉन्टिन्यूस कर्व है। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है कि रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, उसका इनिशियल पॉइंट है पॉजिटिव और उसकी फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो उसकी आखिरी मंजिल है, वो नेगेटिव चार्ज है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस आर कॉन्टिन्यूस कर्व। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होंगी वो कॉन्टिन्यूस कर्व होंगी, वो सीधा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर जाकर ख़त्म होगी। रास्ते में रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पर ख़त्म, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पर ख़त्म। बीच में ना इलेक्ट्रिक लाइंस रुकेंगी ना टूटेंगी। अब ना रुकना ना टूटना, इसी का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक लाइंस कॉन्टिन्यूस कर्व है। इलेक्ट्रिक लाइंस कैसा कर्व है? इलेक्ट्रिक लाइंस कॉन्टिन्यूस कर्व है, आप ध्यान रखेंगे बेटा। अब जैसे ये पॉइंट बना हमारे पास में, जरा मुझे ये बताओ कि ये जो पॉइंट है आपके पास में, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? आप झट से देख के कहेंगे कि सर ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तब यूनिफॉर्म होता है, और जब लाइंस पैरेलल नहीं होती हैं तब नॉन यूनिफॉर्म होता है। सारी लाइंस जा रही हैं इधर, तो यहाँ होगा पॉजिटिव और यहाँ होगा नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव। ये वाला पॉइंट जब लाइंस नज़दीक है वहाँ है, और ये वाला पॉइंट जब लाइंस दूर दूर है तब वहाँ है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा ज़्यादा, और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कम। यानी हम ये लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज ग्रेटर देन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पॉइंट। यानी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है ज़्यादा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है कम। और ये जो फिगर है आपके सामने, ये रिप्रेजेंट करता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा। ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी बात आप लोगों को, ठीक है, ओके। ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, मैं आपको बता चुका हूँ। और यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक जैसा। आप लिख लो इसके बारे में अपनी कॉपी के अंदर, इसका मतलब है कि हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, अब देखो ये बताइए काहे को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म को। ये भी काहे को शो कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म को, नॉन यूनिफॉर्म को। और ये काहे को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है यूनिफॉर्म को। ये भी नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म, और ये है हमारे पास में यूनिफॉर्म। उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को। इस पॉइंट को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बेटा इस पॉइंट के साथ हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी थी वो सब ख़त्म हो जाती हैं। एक एक पॉइंट करके मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है,
और मुझे उम्मीद है कि ये सभी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आई होंगी, कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ से होते हैं। एक एक पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग अपनी कॉपी के अंदर सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से लिख लें, उन्हें समझें और उन्हें डायग्राम से दोबारा से होमवर्क में आप रिपीट करें, सिर्फ डायग्राम बनाकर रिपीट करें कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर ख़त्म होंगी, ठीक है। टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी, दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, सरफेस के अंदर एंटर नहीं करेंगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है और ये दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, कॉन्टीन्यूअस कर्व है। कॉन्टीन्यूअस कर्व का मतलब है जो उसका इनिशियल पॉइंट है वो पॉजिटिव है और जो इसकी आखिरी मंजिल है वो नेगेटिव है, रास्ते में कहीं नहीं रुकेगी, बिल्कुल एक्सप्रेस गाड़ी है, ठीक है। नहीं, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर जाकर ही ख़त्म होगी, रास्ते में इलेक्ट्रिक लाइन कहीं भी ना टूटती है ना रुकती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये क्लोज कॉन्टीन्यूअस कर्व है, कॉन्टीन्यूअस कर्व है, कॉन्टीन्यूअस कर्व की तरह काम करती है बेटा, ठीक है। तो सभी प्रॉपर्टीज़ हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है, अब आप देखिए कि इसके ऊपर प्रॉब्लम किस तरीके से पूछी जाएगी, ठीक है। एक दो डायग्राम मैं आप लोगों को और इसके ऊपर बता देता हूं बेटा। जैसे हमारे पास में बना सिंगल पॉजिटिव चार्ज, इसे बोलते हैं सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, इसका नाम होता है सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से लाइन्स जो है वो ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं बेटा, सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज से ऐसे लाइंस जो हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी और यहाँ से निकलकर धीरे 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 ना इनफाइनाइट पर जाएंगी, क्योंकि लाइंस की टेंडेंसी क्या होती है, लाइंस की टेंडेंसी यह है कि मुझे पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर जाना है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव है ही नहीं, क्या नेगेटिव यहाँ है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में लाइन पॉजिटिव से निकलकर इनफाइनाइट तक जाएगी और जैसे जैसे वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ेगी ना, मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से वो दूर जाती जाएगी वैसे वैसे वो वीक होती जाएगी, वैसे वैसे वो कमज़ोर होती जाएगी। बात समझ में आ रही बच्चों आप लोगों को? तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से लाइन्स का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अब आते हैं नेगेटिव चार्ज पर बेटा हम लोग। मैंने यहाँ बनाया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से लाइंस आती हैं अंदर की तरफ, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लाइंस आती हैं बेटा वो ऐसे अंदर की तरफ आती हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि यार लाइंस तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती हैं, तो नेगेटिव पर अगर वो अंदर की तरफ आ रही है ना बेटा, तो ये लाइंस कहीं इनफाइनाइट से आ रही होगी। बात समझ में आ रही है? अगर खाली नेगेटिव चार्ज है, अगर खाली पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव से निकलकर इनफाइनाइट तक जाएंगी और जैसे जैसे इनफाइनाइट तक जाएंगी वैसे वैसे वीक होती जाएंगी, और इस केस में अगर खाली नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से आएंगी और नेगेटिव पर आकर सबमर्ज हो जाएंगी, नेगेटिव पर आकर टर्मिनेट हो जाएंगी, नेगेटिव पर आकर ख़त्म हो जाएंगी। ये होगा सिंगल पॉजिटिव चार्ज और ये होगा सिंगल नेगेटिव चार्ज। तीसरे नंबर पर हमारे पास में आता है बेटा, अगर मैंने यहाँ बना दिया है एक पॉजिटिव और यहाँ बना दिया है मैंने एक नेगेटिव, एक मैंने बना दिया है पॉजिटिव और एक मैंने बना दिया है नेगेटिव, तो होगा क्या, लाइंस पॉजिटिव से निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी ऐसे, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी ऐसे, पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी ऐसे, पॉजिटिव से निकलेंगी बाहर की तरफ ऐसे और नेगेटिव में जाएंगी बेटा अंदर की तरफ। पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा ऐसा, खाली पॉजिटिव के केस में ऐसा, खाली नेगेटिव के केस में ऐसा और पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में होगा ऐसा। जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे।
ओके बेटा, तो कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमारा होने वाला है। ये खाली पॉजिटिव का केस है, ये खाली नेगेटिव का केस है, और ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का केस है। फाइनली हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमारे पास में आया, अगर यहाँ है हमारे पास में पॉजिटिव और इससे कुछ दूर यहाँ भी है हमारे पास में पॉजिटिव, तो ऐसे पॉजिटिव से लाइंस निकलेंगी और ऐसे बाहर की तरफ जाएंगी, क्योंकि आप जानते हो कि लाइंस पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और नेगेटिव तो यहाँ है ही नहीं। क्या नेगेटिव यहाँ है? नहीं भैया, नेगेटिव यहाँ नहीं है। तो लाइंस ऐसे निकलेंगी बेटा बाहर की तरफ, पॉजिटिव से ऐसे लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी। ऐसे पॉजिटिव से ऐसे लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी कुछ इस तरीके से। ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारा बनेगा पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में, ठीक है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव है। फाइनली लास्ट कंडीशन हमारे पास में यह है बेटा, अगर यहाँ है अपने पास में एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी है अपने पास में एक नेगेटिव चार्ज, ये भी हमारे पास में नेगेटिव है और ये भी हमारे पास में नेगेटिव है। अब देखो होगा क्या, अगर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव में लाइंस आती हैं अंदर की तरफ, ऐसे नेगेटिव में लाइंस आती है बेटा अंदर की तरफ, ऐसे नेगेटिव में लाइंस अंदर की तरफ आती हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव में ये जो लाइंस बाहर की तरफ जा रही थे ना, बिल्कुल वैसा ही अंदर की तरफ बनेगा। नेगेटिव नेगेटिव में लाइंस अंदर की तरफ आएंगी और ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनेगा हमारा। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारा बनेगा, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा बनेगा। ये नेगेटिव नेगेटिव के केस में है और ये हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में है। बाकी तीन केस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और इसके साथ पूरा हमारा इलेक्ट्रिक लाइन का काम हो गया है बेटा फिनिश। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है, मैंने आपको सारे डायग्राम बता दिए हैं। अब कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए इसके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि आपका वो क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि छोटी से छोटी बात भी मैंने आप लोगों को यहाँ बता दी है बेटा, ठीक है। अब JEE में 2015 में एक क्वेश्चन इसके ऊपर से पूछा गया था, ज़रा हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, और जितनी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ी हैं वो सारी प्रॉपर्टी हम उसके ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। देखिए स्टूडेंट, JEE 2015 में एक प्रॉब्लम इसके ऊपर पूछी गई थी बेटा। प्रॉब्लम ये थी कि हमें एक सिलेंडर दिया गया है कुछ इस तरीके से, सिलेंडर को बीच में से कट कर दिया हमने ऐसे, यहाँ से सिलेंडर को हमने बीच में से कट कर दिया। सिलेंडर है ऐसे, अगर आप समझ रहे हो तो ये क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट हमें सिलेंडर का दिख रहा है, क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, पूरा सिलेंडर ना ऐसे है, लेकिन सिर्फ ये पोर्शन हमें दिखाया गया है, ये वाला पोर्शन। ऊपर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज, ऊपर की तरफ है पॉजिटिव चार्ज, समझ रहे हो बेटा, और नीचे की तरफ है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, नीचे की तरफ हमारे पास में है नेगेटिव चार्ज, कुछ इस तरीके से। हमें ये बताना है कि लाइंस का सही रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, कैसे, और चार डायग्राम आपको दे रखे थे, पहले ऐसा फिगर दे रखा था आप लोगों को, फिर चार डायग्राम आपको दे रखे थे, उनमें से सही ऑप्शन आपको बताना था कौन सा था। देखो यार, अभी हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी और उन सारी प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी ऐसी थी जो बड़े हमारे काम की थी। पहली प्रॉपर्टी, लाइंस पॉजिटिव से निकलती हैं नेगेटिव पर ख़त्म होती है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती है, ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होंगी सेटिस्फाई, जरा ध्यान से देखिएगा। लाइन पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पर फिनिश होगी ऐसे, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पर फिनिश होगी ऐसे, पॉजिटिव से निकलेगी नेगेटिव पर फिनिश होगी ऐसे,
अब बताओ तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। क्या सरफेस के अंदर लाइन एंटर कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, लाइन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर फिनिश हो रही है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर फिनिश हो रही है, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर फिनिश हो रही है। नेगेटिव में लाइन अंदर की तरफ आएगी, पॉजिटिव में लाइन बाहर की तरफ जाएगी। ये बनेगा भाई हमारा सही रिप्रेजेंटेशन कि लाइन पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर फिनिश होगी, पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव पर फिनिश होगी, सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और सरफेस के अंदर एंटर नहीं करेगी। जिस डायग्राम में ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही होंगी वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। तो इस क्वेश्चन के साथ ये जो हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस का टॉपिक था ये पूरी तरीके से हो चुका है बेटा फिनिश। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस के टॉपिक में मेरे पास में और कुछ बताने के लिए नहीं बचा है। जितने भी बातें थी बताने की वो सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी बात और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो भैया अब आते हैं हम अपने प्रीवियस टॉपिक पर। वो जो दो तीन क्वेश्चन हम डेली बेसिस पर करते हैं उस पर हम लोग आ जाते हैं। तो हम पढ़ रहे थे बेटा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के पढ़ा तो मैंने आपको दिया, क्वेश्चंस भी मैंने आपको काफ़ी करा दिए और अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए भी हैं। जब समय है तो धीरे धीरे अपना पीछे से रिवाइज करते रहेंगे, चीज़ें आप लोगों को भी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, चलो तो हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन करते हैं कूलम लॉ के ऊपर। तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास में, देखो आज का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में वो ये है बेटा। एक रॉड हमें दे रखी है कुछ इस तरीके से, ऐसे रॉड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और रॉड से यहां से डी डिस्टेंस पर, रॉड से डी डिस्टेंस पर यहां एक चार्ज रखा है, इस चार्ज का नाम है स्मॉल क्यू। ठीक है, रॉड की जो लंबाई आपको दे रखी है वो है एल, रॉड का जो चार्ज आपको दे रखा है वो दे रखा है कैपिटल क्यू। इन दोनों के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा आप लोगों को ये बताना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन रॉड एंड चार्ज, रॉड और चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा होगा आप लोगों को ये बताना है बेटा कि रॉड के और चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ हम सीधे तौर पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि कूलम्स लॉ सिर्फ छोटी बॉडीज़ के लिए वैलिड है, बड़ी बॉडीज़ के लिए कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ये तो छोटी बॉडी है हमारे पास में, लेकिन रॉड थोड़ी छोटी बॉडी है, रॉड तो काफ़ी बड़ी बॉडी है। तो रॉड और चार्ज के बीच में हम सीधे तौर पे कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने रॉड के ऊपर एक छोटा सा पीस कट कर दिया बेटा, ऐसे अलोंग द रॉड, रॉड के अलोंग, और इसकी लंबाई को हमने मान लिया dx, इसकी लंबाई को हमने मान लिया dx, छोटा सा पीस हमने कट कर दिया, और इसके चार्ज को हम लोगों ने मान लिया dq और यहां से उठाकर यहां रख दिया। हमने रॉड का एक छोटा सा पीस कट कर दिया ऐसे, इसका चार्ज है dq, ये चार्ज है q, और इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है ये हमने लेट कर दी है बेटा x, ये हमने लेट कर दी है x। अब मैं कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ। पहले मैं कूलम्स लॉ नहीं लगा सकता था, अब मैं कूलम्स लॉ बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब कूलम्स लॉ लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन दोनों के बीच कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। पहले कूलम्स लॉ में क्यों नहीं लगा सकता था? क्योंकि पहले पूरी रॉड थी और रॉड होता है एक बड़ा ऑब्जेक्ट, और मैंने कूलम्स लॉ की लिमिटेशन में भी आपको बताया था कि बड़े ऑब्जेक्ट के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। अब ज़रा लगाइए इनके बीच में कूलम्स लॉ। जब आप इनके बीच में कूलम्स लॉ लगाएंगे, df, df का मतलब है स्मॉल फोर्स, 1/4πε0, एक चार्ज है dq, दूसरा चार्ज है q, और इनके बीच के डिस्टेंस है x स्क्वायर। अब आप आगे देखो बेटा, df इज इक्वल टू
वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो डी क्यू को हम क्या लिखने वाले हैं बेटा, ये जो डी क्यू आपको दिख रहा है ना, इसे देखो हम क्या लिखने वाले हैं डी क्यू को। डी क्यू को हम लिखेंगे पूरी रॉड का जो चार्ज है वो क्यू है, और पूरी रॉड की जो लंबाई है वो एल है। हमें पूरी रॉड का चार्ज नहीं चाहिए, हमें तो इस छोटे से पीस का चार्ज चाहिए। इस छोटे से पीस का चार्ज कितना होगा, इस छोटे से पीस का चार्ज कितना होगा, तो पूरी रॉड के चार्ज को पूरी रॉड की लंबाई से डिवाइड करके dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारी dq की वैल्यू निकल गई। भाई dq का मतलब क्या है, इस छोटे से पीस का चार्ज कितना होगा, कैसे निकाला हम लोगों ने, पूरी रॉड का चार्ज है कैपिटल Q, पूरी रॉड की लंबाई है L, हमने पूरी रॉड के चार्ज को पूरी रॉड की लंबाई से डिवाइड किया और इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सिर्फ इस छोटे से पीस का चार्ज निकल गया हमारा। बात समझ आ रही है बेटा। अब df का मतलब क्या है, df का मतलब है इस छोटे से पीस और चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है, हमें निकालना है पूरी रॉड और चार्ज के बीच में कितना फोर्स काम करेगा। हमने दोनों तरफ का कर दिया इंटीग्रेशन। जब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन करेंगे, देखो रॉड का जो नज़दीक वाला किनारा है वो चार्ज से डी डिस्टेंस की दूरी पर है, तो लोअर लिमिट हो गई हमारे पास में डी। रॉड का जो नज़दीक वाला किनारा है वो चार्ज से डी डिस्टेंस पर है, तो यहाँ आ गया डी। और रॉड का जो दूर वाला किनारा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो गई लोअर लिमिट, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हो गई एल, और ये हो गई डी, ये हो गई अपर लिमिट L प्लस डी। हमने df का इंटीग्रेशन किया, हमने df का इंटीग्रेशन किया, तो df का इंटीग्रेशन आ गया बेटा हमारे पास में f आ गया, वन अपॉन फोर पाई एप्साइलन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, स्मॉल q कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, कैपिटल q कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, l कॉन्स्टेंट है बाहर रखा, स्मॉल q को बाहर रखा, कैपिटल q को बाहर रखा, l को बाहर रखा, अंदर बचा हमारे पास में वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट है डी से लेकर डी प्लस एल तक। ठीक है, अब मैं आपको याद दिला दूं बेटा, आगे से ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार इसका यूज होगा। स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू फोर पाई एप्साइलन नॉट एल, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के वन अपॉन एक्स, लिमिट हो जाएगी डी से लेकर डी प्लस एल तक। जिन लोगों को पता नहीं है वो ध्यान रखें, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन एक्स होगा, और ये क्वेश्चन सिर्फ जेई मेंस और एडवांस वाले बच्चों के लिए है, बोर्ड वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे मत करें इस क्वेश्चन को। अगर तुम्हें समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मत करो, सिर्फ मेंस और एडवांस वाले बच्चे करें जिन्हें मेंस और एडवांस की तैयारी करनी है। सो फोर्स इज इक्वल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्साइलन नॉट एल, लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस हमने ले लिया ये बाहर, x की जगह रखेंगे एक बार d प्लस एल, बीच में लगाएंगे माइनस, और फिर x की जगह रखेंगे d, और ये हो जाएगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर कि रॉड के और चार्ज के बीच में इतना फोर्स हमारा काम करने वाला है बच्चों, कूलम्स लॉ के मुताबिक इतना फोर्स काम करेगा रॉड और इस चार्ज के बीच में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ आई हो बात। अभी इसके जैसे हम कल की क्लास में एक दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर सिंपल हार्मोनिक के क्वेश्चन करेंगे, मतलब जितने डाउट आप लोगों ने मेरे पास में भेजे हैं ना बेटा, वो सब डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सब ऑलरेडी पहले ही मेरी लिस्ट में मौजूद हैं, आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, प्रॉपर तरीके से अपना होमवर्क अपना क्लास वर्क करते रहें, होमवर्क हमें सेंड करते रहें, और अपने डाउट्स भेजते रहें हमारे पास में, लेकिन जब वो पहले से ही लिस्ट में है तो मैं ऐड करके उन्हें क्या करूँगा, हम ऑलरेडी आपको वो डाउट बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो। ओके, चलिए कल की क्लास में बात करेंगे बेटा।